देखिए दिस हैज बिकम अ राइट टू पैसेज, एक रिचुअल बन गया है कि जो आपने कल खुद देखा कि जब आप मीडिया के लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे, किस तरह से आपकी पिटाई की गई, इसी तरह आजकल ये जो नया कश्मीर बनाया गया है, जो जो भी सही बात करता है, जो सच्ची बात करता है, उसको उसके लिए सजा दी जाती है। और जो एजेंसीज जैसे ईडी है, एनआईए है, जिनको बहुत ही सीरियस काम करने के लिए बनाया गया है, मगर बदकिस्मती से इन एजेंसीज को वेपनाइज किया गया है। दीज एजेंसीज आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, मीडिया पर्सनल, स्टूडेंट्स, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे दिशा रवि हो, उमर खालिद हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, इस वक्त जो भी सच बोलता है, जो भी बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिसी के खिलाफ बात करता है, जो भी जम्मू कश्मीर को लेके जो इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव बनाया है उसके खिलाफ बात करता है, तो उसको ये सजा भुगतनी पड़ती है। मैम पूछताछ किसके मुताबिक थी? आप क्रोनोलॉजी तो समझते हैं ना, क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, कि मैंने जो डिलिमिटेशन कमीशन से